दोस्तों आप सबका फिर और एक बार टेक दुनिया में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी इंटरनेट स्पीड, चाहे वो 3G हो या 4G हो, उसको आप किसी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हो। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो प्रोसेस करने से पहले जो मेरी इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी है, और इस प्रोसेस को कम्प्लीट करने के बाद जो है वो इंटरनेट स्पीड जो है कितनी इंक्रीज़ हो सकती है। तो चलिए पहले स्पीड टेस्ट कर लेते हैं पहले की, और उसके बाद हम देखते हैं कि बाद में हमारी स्पीड कितनी इंक्रीज़ हो सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पीड टेस्ट शुरू हो चुका है, और जो इसमें डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है वो 16 Mbps तक चली गई है। और अब अपलोड की आप स्पीड देख सकते होंगे कि लगभग 5 Mbps तक चली गई। तो चलिए ये तो था फ़िलहाल प्रोसेस का पहले की स्पीड। अब आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाकर आपको एक ऊपर सर्च बार में सर्च करना है इंटरनेट स्पीड मास्टर। हाँ, आपको इंटरनेट स्पीड मास्टर के बारे में सर्च करना होगा ऊपर अपने इंटरनेट पे, और आप प्ले स्टोर पर, और आप देख सकते हैं कि कैसा एक एप्लीकेशन मेरे सामने आ चुका है। इस ऐप का आप लोगो देख सकते हैं। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन लोग ऑलरेडी इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए हम भी देखते हैं इस ऐप को इंस्टॉल करके कि हमारा जो इंटरनेट है वो सचमुच में स्पीड उसकी इंक्रीज़ होती है या नहीं। और इस ऐप की एक ख़ास बात यह है कि चाहे आपका फ़ोन रूटेड हो या विदाउट रूट हो, आप अपनी इस ऐप को अपनी इंटरनेट स्पीड बिल्कुल आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मेरा फ़ोन बिल्कुल भी रूटेड नहीं है, और देखते हैं कि कैसा चलता है ये विदाउट रूट, ये ऐप काम कितना करता है। फिलहाल इसको ओके कर देते हैं। इम्प्रूव, ये बता रहा है कि मेरा फ़ोन रूटेड नहीं है। इम्प्रूव इंटरनेट कनेक्शन, मैंने क्लिक किया, इंटरनेट कनेक्शन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। ओके, फ़िलहाल इनके हिसाब से तो हो गया। और जिनका रूट है फ़ोन, उनके सामने कुछ और वेव आ सकता है इस ऐप का, तो वो मेरे को अभी पता नहीं कि वो कैसा लुक होगा, क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल भी रूट नहीं है। फ़िलहाल हमारा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। हम फिर से एक बार इंटरनेट की जो स्पीड टेस्ट है कर लेते हैं। अब देख सकते हैं 16 और 5 Mbps की स्पीड हमने देख चुका है टेस्ट से, इस इम्प्रूवमेंट से पहले। अब देख लेते हैं कि इम्प्रूवमेंट के बाद हमारी जो टेस्ट स्पीड है वो इम्प्रूव होती है या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे पहले 16 Mbps की स्पीड थी, इस समय 18 Mbps, यानी 2 Mbps से मेरी स्पीड है इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड वो इंक्रीज़ हो गई। और जो हमारी अपलोड स्पीड है ऑलमोस्ट वही 5 के अराउंड। हम फिर से एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं इंटरनेट स्पीड को, ताकि हम कंफर्म कर लें कि ये ऐप कैसे काम करती है। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि स्पीड टेस्ट तो चल रहा है। देखा दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से 15-16 Mbps से जो डाउनलोड स्पीड है मेरी वो 22 Mbps तक चली गई, और वो भी बस एक ऐप डाउनलोड करने की मदद से। तो ये तो फ़िलहाल था विदाउट रूट के जो फ़ोन हैं उन पे आप किस तरीके से इंटरनेट की स्पीड जो है वो किसी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा आप बिना रूट वाले फ़ोन पे भी कर सकते हैं। और जितना मैंने इस ऐप के बारे में स्टडी किया, तो बिना जिन फ़ोन ऑलरेडी रूट हो चुका है तो उनकी जो स्पीड है वो और भी इंक्रीज़ हो सकती है। हालांकि मेरा फ़ोन बिल्कुल भी रूटेड नहीं है, और आपने देखा किस तरीके से 15 Mbps से 22 Mbps तक जो मेरी डाउनलोड स्पीड है वो चली गई। तो आप भी इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बने रहिए टेक दुनिया के संग। इस वीडियो को लाइक ना करना भूलें, और
हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा से हम ऐसे वीडियोस आपके लिए और भी बनाते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए टेक दुनिया के साथ।